15 तारीख को इसी स्थान पर रीजनल कॉलेज चौपाटी पर महाआरती का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही भव्य रूप से अजमेर शहर में पहली बार इस प्रकार का आयोजन होगा। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा द्वारा 13 से 15 अगस्त तक 3 दिवसीय देशभक्तिपूर्ण व समाज सेवा के कार्यक्रमों का आगाज भारत माता के 25 फीट ऊंचे कटआउट के अनावरण के दौरान आनासागर नई चौपाटी पर देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन। अपने देशभक्तिपूर्ण जज्बे और सेवा कार्यों के लिए जानी जाने वाली अजमेर की शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार शाम शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के द्वारा आनासागर स्थित नई चौपाटी पर भारत माता के 25 फीट ऊंचे कटआउट का अनावरण किया गया। भगत सिंह नौजवान सभा के सदस्य विजय तत्वदे ने बताया कि भारत माता का यह कटआउट दक्षिण भारत से बनकर आया है और यह कटआउट 3 दिनों तक आनासागर चौपाटी पर अजमेर शहरवासियों के दर्शनों के लिए लगा रहेगा। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, विशिष्ट अतिथि विधायक रीता बघेल, अजमेर शहर मेयर ब्रजलता हाड़ा, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, चेयरमैन भूमि विकास बैंक चेतन चौधरी, बीपी सारस्वत, धर्मेश जैन, अरविंद यादव, भारती श्रीवास्तव, हरीश गिदवानी व नरेश गुर्जर की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के आरंभ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 के असिस्टेंट कमांडेंट विजय सिंह लांबा के नेतृत्व में CRPF बैंड के द्वारा प्रस्तुत मधुर देशभक्ति ध्वनियों ने कार्यक्रम को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। बैंड और डीजे की धुन पर देशभक्तों की टोली ने हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर नृत्य करते हुए अपनी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। संस्था के नारायण गुर्जर के द्वारा संस्था का गीत गाया गया। इस अवसर पर संस्था के गुरविंदर सिंह सैमी, अमर सिंह राठौड़, राजेश आचार्य, शेर सिंह, चंद्रभान प्रजापति, सूर्य प्रकाश गांधी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन RJ अजय के द्वारा किया गया। 15 अगस्त शाम आनासागर चौपाटी पर भारत माता की आरती का भव्य आयोजन के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रमों का समापन होगा। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा प्रतिवर्ष 15 अगस्त को जश्न आज़ादी के रूप में मनाती है। इस बार पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो संस्था द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए। आज भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया गया, तस्वीर का अनावरण किया गया, जो कि दक्षिण भारत से बन के आई है। अजमेर के लिए बिल्कुल अनूठा कार्यक्रम था। और कल 14 तारीख को अग्रवाल स्कूल में रक्तदान का कार्यक्रम किया जाएगा। शहीदों को हम रक्तांजलि के रूप में श्रद्धांजलि देंगे। करीब 1100 युवा, शहर के 1100 युवा रक्तदान करेंगे, जो कि विभिन्न हॉस्पिटल के अंदर दिया जाएगा। अजमेर जनाना है, जेलन है, जयपुर SMS है, दुर्लभ जी है, जयपुर जनाना है, किशनगढ़ हॉस्पिटल है, ब्यावर हॉस्पिटल है, सभी को रक्तदान दिया जाएगा। और 15 तारीख को इसी स्थान पर रीजनल कॉलेज चौपाटी पर महाआरती का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही भव्य रूप से अजमेर शहर में पहली बार इस प्रकार का आयोजन होगा।
प्रतियोगिता भी रखी है इसमें, और छोटे बच्चों के लिए महापुरुष की वेशभूषा में आने का भी कार्यक्रम है वो रखा गया। प्रतियोगिता जैसा कुछ भी नहीं है, जो बच्चे उस वेशभूषा में आएंगे सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम 75 एंट्रियों को स्थान दिया जाएगा। आज क्या क्या हुआ है? आज शहर के सभी गणमान्य लोग, आम जनता और शहरवासी सभी उपस्थित थे। आज भारत माता की तस्वीर का अनावरण किया गया और CRPF बैंड द्वारा देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति की गई, और जो बैंड द्वारा जो प्रस्तुति दी उसमें सभी जो हमारे अतिथि आए उन्होंने सबने भारत माता का दर्शन किया और नृत्य किया देशभक्ति के गीतों पे। इस वर्ष यानी 15 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा भारतवर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तथा इसी कड़ी में 13 यानी आज से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए ही शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के साथियों ने ये शानदार देशभक्ति का प्रोग्राम रखा है। इसमें आप देख रहे हैं कि भारत माता का चित्र का अनावरण किया गया है, भारत माता की महान आरती की गई है, पूजा की गई है, देशभक्ति गाने बजाए गए हैं, तथा JC2 CRPF के द्वारा बैंड की प्रस्तुति की गई है, इनके द्वारा देशभक्ति धुन बजाई गई है। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के साथी अशोक जी ने जैसे कि हमें बताया अभी कि पूरे अजमेर शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में लगभग 10,000 तिरंगे झंडे को वितरण अभी तक कर चुके हैं, तथा 15 अगस्त को एक महान ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। हम भी पिछले कई दिनों से आज़ादी का अमृत महोत्सव तथा हर घर तिरंगा झंडा फहराने के लिए अजमेर वासियों को, देशवासियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमने अजमेर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकाली है, तथा विभिन्न स्कूलों के छात्रों के साथ पैदल तिरंगा यात्रा निकाली है, और अन्य प्रकार के कार्यक्रम करके हमने अजमेर तथा देश की जनता को ये संदेश दिया है कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घर, मकान, दुकान, कार्यालय या किसी प्रकार की संस्था हो वहाँ पर तिरंगा झंडा अवश्य फहराएँ, देशभक्ति की भावना पैदा करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, आइए हम सब मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर तिरंगा झंडा फहराएं। जय हिंद, जय भारत।